है रे छोरी, अब तक पड़ी सो रही है क्या? भंग पी है तूने? देख तो सारा काम पड़ा हुआ है। दीदी पूरी रात ठीक से नहीं सोई। ये जो तू बच्चों की तरह गंदी मंदी चीजें खाती है ना, ये छोड़ देगी तब सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ माला, तबीयत ठीक है तेरी? कुछ नहीं भैया, दिल बहुत घबरा रहा है और नींद भी नहीं आ रही, भूख भी नहीं लग रही। इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, देख कैसी पीली पड़ गई है मेरी बच्ची। अरे कुछ बताएगी तो लेके जाऊंगी ना, जब से स्कूल बंद किया ना तब से चुपचाप अंदर ही पड़ी रहती है ये। भाई खुद का ख्याल खुद ही को रखना पड़ता है। हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, आप दोनों परेशान नहीं हो। सी बातें करती हो मेरी बहन, तुम जब अपने घर चली जाओगी ना तब भी तुम्हारे लिए हमारी फिक्र कम हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगी। इसे लेके जाओ डॉक्टर के पास। अरे मैं तो कहती हूँ थोड़ा हाजमे का चूरन खा ले, सब ठीक हो जाएगा, ऐसी खुल के भूख लगेगी, देखियो तू। और नाना ये चूरन मंजन मुझे खून थकवा चुका है, इसका ढंग से इलाज करो। गोरी चिट्टी मेरी बेटी है, शादी के दिन इसका रंग रूप नहीं आएगा तो लोग क्या कहेंगे, भाभी ने ख्याल नहीं रखा। अच्छा ठीक है चलिए छोरी, उठ के जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे भैया को दुकान भेज लूं, फिर अपन दोनों चलेंगे। ठीक है पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही, मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। रे छोरी क्या हुआ रे तुझे, अभी तो तूने टिका के रोटी खाई है। शादी से पहले तो आजकल की लड़कियां वो खावे सलाद के पत्ते, कच्ची गाजर मूली, तू कौन सी पहलवानी कर रही है? पता नहीं आजकल क्या हो गया, दिल करता है सारा खाना खा जाओ। अरे इसी को तो कहते हैं काम के नकाज की तो दुश्मन अनाज की, कराते हो अभी तेरा इलाज, रुक जा। अब पता नहीं यहाँ कितनी देर बैठना पड़ेगा। अरे क्या हो गया रे छोरी तुझे, है मैं देख के आती हूँ, इसका ख्याल रखियो, मैं आती हूँ। ब्लड प्रेशर तो आपका बिल्कुल ठीक है, फिर आपको इतनी ज्यादा भूख क्यों लगती है? जरा अपनी आंखें दिखा लो। शाबाश, ऊपर देखो। मुंह खोलो। जरा बड़ा सा बेटा। अरे जरा ठीक से मुंह खोल, डॉक्टर साहब तेरा गला चेक कर रही है। आ, आ। अच्छा ठीक है। उम्र कितनी तुम्हारी? 20 साल। शादी को कितना अर्सा हुआ है? हाँ अरे वहाँ क्या कर रही है, ठीक से बताना। खैर से अगले महीने शादी है इसकी, पर ये हर वक्त खाती रहती है और सोती रहती है, कमर नहीं क्या हुआ इसे? ओह आई सी। अच्छा आप इसकी क्या लगती हैं? मैं जी, मैं इसकी भाभी हूँ, इकलौती। आपके कितने बच्चे? अरे कहाँ है बच्चे जी, डॉक्टर साहब आप तो बड़ी सियानी है, जरा मुझे भी देख लीजिएगा कि मैं कब माँ बनूंगी। वो मैं और रतन लाल बहुत परेशान रहते हैं इस बात पर। अच्छा ठीक है, आपको भी देख लूंगी, पहले मैं कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, आप बाहर जाकर बच्चे के करवा लीजिए। अच्छा ठीक है, तो फिर ये टेस्ट करा के हम घर जाएं? टेस्ट करा के आप मेरे पास वापस आइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना। ठीक है चल रही, जाने क्या आला बला खाती रहती है, देख कितना बखेड़ा कर दिया, उठ।